जैसा कि आपके इल्म में है, काफ़ी अरसे से बैरिया टाउन के इन्वेस्टर और वो अफराद जो अपनी आने वाली नस्ल के लिए कुछ बेहतर करने के ख्वाहां हैं, अक्सर बेइल्मी में बैरिया टाउन और उसके मंजूर कदा डीलर हजरात के शिकंजे में फंस जाते हैं। आज इन्हीं अफराद के लिए ये आगाही वीडियो बनाई जा रही है ताकि लोगों के इल्म में आए कि इनका तरीका वारदात क्या है। बैरिया टाउन कराची, लाहौर, रावलपिंडी, बैरिया इनक्लेव, बैरिया ऑर्चर्ड और बैरिया मरी, यहाँ पर मौजूद आपकी जायदादों की क्या रजिस्ट्री की जा सकती है? आप जो घर, दुकान, प्लॉट बनाते हैं, इसके मैप चार्जेस आप बहरिया के बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट को देते हैं, क्या वजह है कि SBCA, CDA या कोई भी सरकारी इदारा जो ये अप्रूवल देने का मिजाज है, उनको ये रेवेन्यू नहीं दिया जाता? क्या बहरिया टाउन कराची या लाहौर सेक्टर CDEF, LDA, SBCA से मंजूर शुदा हैं? नहीं तो फिर किस तरह लोगों को ये ज़मीन बेची गई और क्यों कर बहरिया टाउन बिल्डिंग डिपार्टमेंट, जो हरगिज़ चार्जेस लेने का मजाज नहीं, इसने पैसे लेकर ये मैप अप्रूव किया और इसकी क्या कानूनी हैसियत है? जिन लोगों ने मुख्तलिफ प्लाजों में दुकानें, कमर्शियल ऑफिसेज हासिल किए जो कि हाई राइज बिल्डिंग्स की कैटेगरी में आते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी आयद की हुई थी और SBCA ने मोरखा 28/11/2018 को पब्लिक नोटिस में वाजे किया कि तमाम बिल्डिंग गैर कानूनी हैं, फिर क्यों कर ये प्लाजे तामीर किए गए और लोगों के पैसे फंसाए गए? SBCA ने बैरिया टाउन की तमाम तामीरात को गैर कानूनी करार दिया है और जो रिपोर्ट SBCA ने सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई, उसमें बैरिया टाउन की इंतजामिया के पॉइंट ऑफ मीटिंग भी जमा कराए गए, जिसके मुताबिक SBCA ने बहरिया को फ़कत 1330 एकड़ ज़मीन जो MDA ने अलॉट की थी, सिर्फ तशहीर की इजाज़त दी थी और वह NOC भी बकाया लैंड टाइटल जमा कराने की शर्त से मशरूत थे और वह बैरिया टाउन ने कभी जमा नहीं कराई, तो वो मशरूत NOC भी SBCA के बकौल बिना उजर के कैंसिल हो चुकी है। तो क्या बैरिया टाउन और डीलर हजरात ये सब ना जानते थे? तो किस NOC के तहत बैरिया टाउन कराची की तामीरात की गई, है कोई जवाब? बैरिया ग्रीन्स के फॉर्म की शिक नंबर 10 में बताया गया कि बैरिया टाउन बिना कोई उजर के प्लॉट की लोकेशन को तब्दील कर सकता है, यानी कि मैं प्लॉट कोई पसंद करूं और बैरिया टाउन जब दिल चाहे मेरा प्लॉट किसी भी जगह मुंतकिल कर सकता है। वाह, क्या कहने जनाब के। बैरिया ग्रीन्स के फॉर्म की शिक नंबर 9 के मुताबिक बैरिया टाउन के डिज़ाइन विंग के डिज़ाइन को ही तामीर किया जा सकता है। क्या बैरिया टाउन इंतजामिया डिज़ाइन विंग की क्या अथॉरिटी है बताना पसंद करेगी? डिज़ाइन पास करना और इसकी फीस वसूल करना किस कानून के तहत किया जा रहा है बताना पसंद फरमाएंगे? ज़रा सोचिए।